मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3। तो ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आज करते हैं हम एग्जांपल 7 से। एचसीएफ दिए नंबर को पूरा पूरा काटता है तथा एलसीएम दिए गए नंबर से पूरा पूरा कटता है। मतलब कि जो एचसीएफ निकलता है नंबर्स का, वो उन दोनों नंबर्स को पूरा का पूरा डिवाइड करता है, और जो एलसीएम होता है वे दोनों नंबर एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। जैसे 12 और 18 का है, इनका एचसीएफ क्या होगा? 6, क्योंकि 6 टू जा 12 और 6 थ्री जा 18। एलसीएम 36, अब देखो 12 थ्री जा 36, 18 टू जा 36। एचसीएफ तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और एलसीएम से ये एलसीएम को ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं। जब एचसीएफ दिए गए नंबर को पूरा पूरा काटता है तो वो उन नंबर की रेशियो होती है जिस पे ये एचसीएफ इनको काटेगा, वो उनकी क्या होंगी? रेशियो। तो 12 से जब 6 को काटते हैं और 18 से 6 को काटते हैं तो हमारी रेशियो होती है 6 2 12, 6 3 2 3। मतलब नंबर की रेशियो क्या हो गई? नंबर 1 और नंबर 2 की रेशियो 2:3। अब अगर हमें नंबर 1 निकालना है तो देखो, जब हम एच सी एफ को ए से, मतलब रेशो ए से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो दोबारा से हमारा नंबर 1 निकलाएगा। तो देखो, रेशो पहले 2 है और एच सी एफ क्या है? 6, तो 6 2 12 नंबर 1 निकलाया। अब नंबर 2 की रेशो 3 है, एच सी एफ क्या है? 6, तो 6 3 18। तो ऐसे हम अपने नंबर इस रेशो से एच सी एफ की मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यदि एच सी एफ को नंबर की रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट, कोई भी दो नंबर को यदि एच सी एफ से डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर का सिंपल रेशियो मिलता है। क्या कह रहे हैं? किसी भी नंबर को यदि एच सी एफ से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रेशियो निकलती है वो नंबर का सिंपल रेशियो मिलता है। जो अभी किया था हमने, देखो एच सी एफ से इनको डिवाइड किया तो नंबर्स की रेशियो निकल आई। अगर इन रेशियो को हम एच सी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, किन्हीं दो नंबर का रेशियो 2:5 है तथा एच सी एफ 7 है तो संख्याएं होंगी। तो रेशो तो 2:5 है और एच सी एफ क्या है? तो अभी बताया था मैंने एच सी एफ इंटू रेशियो, तो हमारे नंबर निकलेंगे। तो नंबर 1 क्या निकलेगा? 7 × 2, और नंबर 2 क्या निकलेगा? 7 × 5। तो आगे 7 2 14, 5 7 35। संख्याओं का अनुपात तभी मान्य होगा जब संख्याएं सह अभाज्य को प्राइम संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? संख्याएं को प्राइम, मतलब कि को प्राइम ये संख्या होती है जो एक के बाद एक अभाज्य संख्या, जैसे 3 और 4, 5 और 7, 7 9 नहीं बनेगा क्योंकि 9 भाज्य संख्या है, तो 7 और 11, 11 और 13, ये होती है हमारी को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। जैसे 2:3, 3:4 वैलिड है, परंतु 6:8 वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये दोनों रेशो एक ही टेबल में नहीं आनी चाहिए। रेशो वही वैलिड होगा जो अलग अलग टेबल में आता है, एक ही टेबल में आने वाली रेशो वैलिड नहीं होगी। तो करते हैं क्वेश्चन, नंबर क्या था हमारा? एच सी एफ इंटू ए की रेशो, और नंबर 2 क्या था? एच सी एफ और बी की रेशो। अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी और एच, एच क्या हमारा? एलसीएम, एच सी एफ, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। अगर हम दोनों की रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। और अब अगर हमें रेशियो बतानी है एलसीएम और एचसीएफ की, तो एच इधर आ गया, यहाँ क्या रहेगा हमारा? ए बी और रेशियो 1। तो एल अपॉन एच इज इक्वल टू एच ए बी अपॉन एच, ठीक है। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो एल सी एम और एच सी एफ की रेशो क्या बन जाएगी हमारी? ए बी रेशो 1, ठीक है।
क्योंकि देखो हमने अभी एलसीएम देखा था, एलसीएम क्या होता है, एच ए बी, तो हमने एच ए बी लगा दिया और एच सी एफ का एच सी एफ लिख दिया, एच से एच कैंसिल, तो हम एल रेशो एच को क्या लिख सकते हैं, दोनों नंबर की रेशो की मल्टीप्लाई और रेशो वन। अगर हमें नंबर ए चाहिए 12 है और नंबर बी क्या था हमारा 18, तो नंबर की रेशो क्या थे हमारे 2 और 3, तो 6 2 12 और 6 3 18। एच सी एफ क्या है 6 और एल सी एम क्या होता एच इंटू ए बी, ए बी क्या थी जो रेशो थी, तो एच सी एफ क्या हमारा 6 और रेशो क्या थी 2 इंटू 3, तो एच सी एफ इंटू रेशो 1 रेशो 2, तो हो गया 6 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा आ गया 6 2 12 12 3 36। तो एच सी एफ एल सी एम अगर हमें निकालना हो तो हम एच सी एफ को दोनों नंबर के रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एल सी एफ आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 1 और नंबर 2 किसके इक्वल होते हैं, ये एच सी एफ इंटू रेशो ए इंटू एच सी एफ इंटू रेशो बी। एच दोनों में क्या है, तो हमने एच रख लिया बाहर और एक रख लिया एच ए बी, ठीक है। अब एन वन इंटू एन टू, एच ए बी क्या होता हमारा एल सी एम, देखो हमने अभी अभी निकाला था एल सी एम क्या था हमारा एच ए बी। अब हमने यहाँ इस वाले एक और रेशो को इसके साथ लिख दिया और एक एच अलग से रख लिया, तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल होती है, ये एच सी एफ और एल सी एम के इक्वल होती है। अगर हमें दोनों नंबर का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एच सी एफ बाहर और दोनों रेशो को ऐड कर देंगे, ऐड करके एच सी एफ से मल्टीप्लाई। अगर हमें दोनों नंबर का योग निकालना हो तो एच सी एफ को दोनों रेशो को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है तो एच सी एफ को दोनों रेशो की माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर की रेशो माइनस कर दो उसको एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा नंबर्स का डिफरेंस। अब ये सारे के सारे फार्मूले हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एन वन क्या था एच सी एफ इंटू रेशो ए, एन नंबर टू क्या था एच सी एफ रेशो बी, एल सी एम क्या होता हमारा एच एल सी एम इंटू दोनों नंबर्स की रेशो। अगर हमें एल सी एम और एच सी एफ की रेशो निकालें तो क्या हो जाएगी हमारी ए बी रेशो वन, ठीक है। और एल एल क्या हमारा एच ए बी और एच को एच ऐसे कैसे रख लिया, एच से एच कैंसिल, तो हमारा एल रेशो एच, एच मतलब एच सी एफ, तो ए बी रेशो वन निकलाएगा। अगर हमें नंबर निकालने हैं तो एच सी एफ इंटू रेशो ए, एच सी एफ इंटू रेशो बी, नंबर बी निकालना है तो एच सी एफ हमारा 6 आई, एल सी एम क्या हो एच ए बी, ठीक है। अब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारी, एच ए इंटू एच बी, एच हमने अलग रख लिया और एक एच इसके साथ रख लिया, एच ए बी की वैल्यू क्या आ गई एल और एच तो है ही है। अगर दोनों नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, एच सी एफ इंटू एल सी एम के इक्वल होती है। अगर हमें दोनों नंबर्स का योग निकालना है तो क्या कर देंगे, दोनों रेशो को योग करके उसको एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है तो दोनों रेशो को माइनस करके उसको एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकल आएगा। दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, यदि उनका एच सी एफ 24 हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। नंबर की रेशो दे रखी है 8:11, ठीक है, एच सी एफ दे रखा है 24 और हमें नंबरों का योग निकालना है, तो क्या था हमारा एच ए बी, तो एच क्या है हमारा 24, ए क्या 8+11 करती है फॉर्मूले में रखा तो सीधा आ गया हमारा 456। अगर आपको क्वेश्चंस और ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें और आगे भी शेयर करते रहे ताकि और फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट अदर ट्रिक, इसको हम कैसे कर सकते हैं, एन वन क्या था हमारा एच सी एफ इंटू रेशो ए और एन टू क्या था नंबर टू एच सी एफ इंटू रेशो टू, निकाल लिए और दोनों नंबर को ऐड कर दो। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फिर है नेक्स्ट उदाहरण 24, दो संख्याओं का योग 1215 है, उनका एच सी एफ 81 है और उनमें से एक संख्या 250 और 350 के बीच में है। अब की बार हमें संख्या नहीं गई है, बस ये बताया गया कि वो संख्या क्या है 250 और 350 के बीच में है,
और दूसरी संख्या 800 और 900 के बीच में है, तो उन दो संख्याओं का अंतर बताओ। तो देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है 1215, तो संख्या N1 प्लस N2 1215। HCF भी दे रखा है, ठीक है, HCF क्या हमारा 81, तो दोनों नंबर का योग किसके इक्वल होता है, दोनों रेशो के इंटू HCF के इक्वल होता है। तो H क्या 81, A प्लस B हमने निकाल लिया। अगर हमें इस A और B की रेशो निकाल लें तो बाकी हमें इसके पेयर बनाने में आसानी हो जाएगी। तो A प्लस B क्या आ गया हमारा 1215/81, यहाँ पे तो काटने के बाद आ गया 15। तो रेशो का योग क्या आ गया हमारा 15। तो हमें इसके ऐसे पॉसिबल पेयर बनाने हैं जो किसी एक ही टेबल में नहीं आने चाहिए और उनका योग क्या रहना चाहिए 15। तो क्या बन सकते, 1 और 14, 2 और 13, 3 और 12 भी बन सकते हैं, पर ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे तो इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट 4 और 11 वैलिड है। नेक्स्ट 5 और 10 वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं। नेक्स्ट 6 और 9 ये भी वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी एक ही टेबल में आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 और 8 ये अलग अलग है, बाकी दोबारा से शुरू हो जाएंगे 8 7, ठीक है 11 4। तो मेन पेयर यही है हमारे, क्या क्या 1 और 14, 2 और 13, 4 और 11, 7 और 8। तो हमारे कितने पॉसिबल पेयर है 4। अब इन सबको हम रख के देखते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ए तो होना चाहिए 250 और 350 के बीच और दूसरा होना चाहिए 800 और 900 के बीच। तो हम पहला पेयर लेके देखते हैं, पहले तो 1 और 14, तो एन ए क्या आ जाएगा HCF इंटू रेशियो, रेशियो क्या है हमारी 11। ये बाद में हमें पहले हम देखते हैं, पहले 1 और 14 को रखे, जब हम 1 को रखते हैं तो 81 इंटू 1 81, पर हमें क्या बोला गया कि क्वेश्चन में 250 और 350 के बीच में होना चाहिए, पर ये तो सिर्फ 81 है तो ये वैलिड नहीं है। अब 2 जा करेंगे तो 2 एकम 2 एकम 2, 2 8 16, ये भी वैलिड नहीं है। अब नेक्स्ट 4 और 11 लेके देखते हैं, तो 11 करके देखते हैं तो नंबर, तो इन्होंने बोला कि एक संख्या तो होनी चाहिए 250 और 350 के बीच, दूसरी होनी चाहिए 800 और 900 के बीच। तो हम देखते हैं, पर पहले हम देखना चाहिए कि हमारी जो संख्या पहले बड़ा नंबर ले, तो बड़ा क्या आ जाएगा 11, तो 11 इंटू 81, तो आ गया 891, तो ये 800 और 900 के बीच में, ठीक बात है। नेक्स्ट नंबर 2 बोल रहा है 250, एक होना चाहिए 800 900 के बीच, दूसरा होना चाहिए 250 और 300 के बीच, तो 81 इंटू 4 करेंगे तो आ गया हमारा 324। तो हमारा नंबर आ गया, एक तो आ गया 891 और एक आ गया 324, ठीक है। तो 3 और 12 तथा 6 और 9 नहीं लिए गए, क्यों, क्योंकि वे सभी सेम टेबल में आते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, वे वैलिड नहीं होंगे। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर क्या है, N1 माइनस N2 क्या बताया था हमने, H, और दोनों रेशियो को माइनस कर दो, तो रेशियो क्या थी हमारी 11 माइनस 4, तो 7 आ गया। HCF इंटू इनका जो माइनस करके आया, तो 81 इंटू 7 आ गया हमारा 567। ये आप सीधा नंबर 1 को नंबर 2, नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर 1 क्या था हमारा 891, नंबर 2 था हमारा 324, तो कटाने के बाद आ गया हमारा 567। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 1215 है तथा HCF 81 है तथा प्रत्येक संख्या 550 व 650 के बीच में, तो LCM बताइए। नंबरों का योग दे रखा है 1215 और HCF दे रखा है 81, तो HCF क्या होता है A रेशियो H इंटू A प्लस H इंटू B 1215, रेशियो निकाल ली हमने 1215/81 15, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। LCM क्या होता है HAB, तो A प्लस B हमने निकाल लिया 15 और 15 को जब हम 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1215। अब पॉसिबल पेयर क्या होंगे ना, जो पिछले में हुआ था 1 14 2 13 4 11 और 8 7। अब वही पहले लेके देखेंगे कि पेयर बनाने से हमारी ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, क्या कंडीशन, कि नंबर 550 और 650 के बीच में होने चाहिए। तो ये कंडीशन होगी हमारी 7:8 पे, तो हम एलसीएम ले लेंगे 81 इंटू 7 इंटू 8, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 4536। दोनों रेशो को HCF से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा एलसीएम आ जाएगा।
अगर नंबर पूछे तो 81 इंटू 8 और 81 इंटू 7 ये आ गया हमारे नंबर। अगर